वेलकम टू तो जीरो से जीनियस तक इस वीडियो टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे जीके के दस सवालों को तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न है राष्ट्रगान में कितनी पंक्तियां है आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे पांच सेकंड का समय जो शुरू होते हैं अब राष्ट्रगान में कितनी पंक्तियां हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तेरह क्वेश्चन नंबर टू कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हुगली नदी क्वेश्चन नंबर तीन फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का जन्म कब हुआ था मिल्खा सिंह जी का जन्म कब हुआ था सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 20 नवंबर उन्नीस को 20 नवंबर उन्नीस को मिल्खा सिंह जी का जन्म हुआ था क्वेश्चन नंबर फोर मेघदूत के रचना किसने की थी मेघदूत के रचना किसने की थी सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कालीदास ने क्वेश्चन नंबर फाइव डीआरडीओ की स्थापना कब की गई ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उन्नीस सौ अंठावन ईस्वी को क्वेश्चन नंबर सिक्स वित्त आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है वित्त आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 280 और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा कर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पर और करता है धन्यवाद आगे सवाल है राष्ट्रगान में कितनी पंक्तियाँ है ये सवाल आपको याद होगा हो जाता है कभी कभार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तेरह क्वेश्चन नंबर एट चुनाव आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है चुनाव आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद तीन सौ चौबीस क्वेश्चन नंबर नाइन पचास रुपए के नोट पर किसका चित्र है पचास रुपए के नोट पर किसका चित्र है आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हम्पी स्थित रथ का क्वेश्चन नंबर टेन दिवस कब मनाया जाता है ये सवाल पिछले दस क्वेश्चंस वाले वीडियो के क्यू फॉर यू में पूछे गए थे और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिए थे राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर सी सात अप्रैल को तो आपके लिए एक सवाल है ईरान की संसद का नाम क्या है यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाकर लिखना है क्यू फॉर यू और इसके राइट आंसर तो मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में अपना ध्यान रखिए जय हिंद जय भारत